तो आर्मी एक बार फिर से कल BTS सुपरस्टार किम तेयोंग ने अपनी म्यूजिक वीडियो फ्रेंड्स के साथ इंटरनेट को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उसी के बाद एक बार फिर से उन्होंने अपने सॉन्ग की सेलिब्रेशन में आर्मी के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, जिसने इंटरनेट पर सुनामी ला दी और ऐसा ही लगा जैसे वी कभी मिलिट्री गए ही ना हो। जी हाँ, हमें कल एक के बाद एक वी की बहुत सारी फोटोज और वीडियोज देखने को मिली। आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि BTS मेंबर वी कल अपने म्यूजिक वीडियो फ्रेंड्स के सेलिब्रेशन के लिए अपने दोस्तों के साथ यानी मिलिट्री सोल्जर्स के साथ पार्टी करने के लिए गए थे, जहां वी ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाली। और अब ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि किम तेयोंग जिस कैफे में गए थे, जिस रेस्टोरेंट में गए थे, वो उनकी मिलिट्री यूनिट के सिर्फ 1-2 किलोमीटर के दायरे में है, यानी कि सोल्जर्स को इतना परमिशन होता है कि वो आसपास हाफ डे की या फुल डे की वैकेशन पर जा सकें। लेकिन क्योंकि किम तेयोंग ने यूनिफॉर्म पहनी थी, तो इसका मतलब यही था वो सिर्फ हाफ डे की वैकेशन पर आए थे। और अब जिस कैफे में किम तेयोंग अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, वहाँ के ओनर ने किम तेयोंग की एक CCTV इमेज फैंस के साथ शेयर करते हुए इस बात को कन्फर्म किया है कि तेयोंग गुआंगवान 2 प्रोविनेंस के होमोन ब्रांच चुनचोन कैफे में आए थे, जो कंपोज कॉफी की एक ब्रांच है, और वही कंपोज कॉफी जिसके भी ब्रांड एम्बेसडर है, यानी कि भी अपनी ब्रांड के कैफे में ही अपना सेलिब्रेशन करने के लिए आए थे, जहां उन्होंने अपनी मर्जी से CCTV पर चीयर्स करते हुए पोज भी दिया। और यही फोटो ओनर ने शेयर की कि किम तेयोंग और उनके दोस्त आज यहां पार्टी करने के लिए आए थे।